पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। बिहार के शेष बचे हुए 5 फेज के चुनाव का कमान मोदी ने शाह को सौंपा, जबरदस्त सेटिंग। इसी पे बातें करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी से जुड़ते हैं। क्या लगता है सर, बिहार के शेष बचे हुए 5 फेज के चुनाव का कमान मोदी जी ने तो शाह के हाथ में दे दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, कल अमित शाह का दौरा है बिहार का, 29 तारीख है। दो जगहों पे वो आ रहे हैं दौरा करने के लिए, झंझारपुर में और कहें तो बेगूसराय। तो झंझारपुर में सिटिंग एमपी हैं जेडीयू के जी, बेगूसराय में सिटिंग एमपी हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह जी, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और आप गौर किए होंगे, जो जहाँ जहाँ जेडीयू का कैंडिडेट है जी, वहाँ पे बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा हुआ है, रैली हुआ है जी। तो एक तरह से इसको ये कहा जा सकता है, जो कहीं भाजपा को इंटरनल जो उनके जो अपने सोर्सेज हैं जी, या उनका जो सर्वे करता है, वो कहीं उनको एक तरह से इस तरह का इनपुट तो नहीं उनको दे दिया है, जो बीजेपी से बहुत खराब स्थिति में बिहार में जेडीयू है जी। इसलिए जेडीयू को बूस्टअप करने के लिए जी, जेडीयू को के वोटरों को बूस्टअप करने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा ज़्यादातर जेडीयू के जहाँ पे कैंडिडेट है वहाँ पे हो रहा है जी। अब झंझारपुर में रामप्रीत मंडल हैं जी, तो रामप्रीत मंडल के बारे में एक तो लोग जानते हैं, जो लोगों से मिलते नहीं हैं वो थोड़ा सा लोगों की नाराजगी है जी। ये भी इनपुट बीजेपी को मिल गया है, जो वहाँ पे आरजेडी ने जिस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जी, गुलाब यादव जी, वैसे वो व्यक्ति वहाँ खड़ा हो गया है बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुँचाएगा दोनों को, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो करेगा, क्योंकि गुलाब यादव को सभी जाति के लोगों का एक्सेप्टेंस है जी, केवल यादव का ही नहीं जी। वो क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है जो उन्होंने कुछ काम किया है वहाँ, इसका फ़ायदा अभी तक लोगों को मिल रहा है जी। तो इससे साफ तौर पे, क्योंकि जो पहला फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज होने जा रहा है साथ में, तो इस तरह से तो लग रहा है जो प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी आए बिहार जी, जेपी नड्डा भी आए बिहार जी, प्रधानमंत्री मोदी भी आए बिहार जी, केंद्रीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं जी। ज़्यादातर प्रधानमंत्री मोदी ने तो भागलपुर में रैली की, जहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट थे अजय मंडल जी। अमित शाह आ रहे हैं झंझारपुर में करने के लिए, जहाँ पे जेडीयू का है कैंडिडेट जी। तो ये साफ दर्शा रहा है, जो अब बात लगता है पानी सर के ऊपर से गुजरता हुआ दिख रहा है एनडीए को, इसीलिए उन्होंने इस सारे चुनाव प्रचार का, सारे स्ट्रेटजी का जो कमान है वो अमित शाह के हाथ में सौंप दिया है जी। तो एक तरह से इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जो अब बिहार की जो बिहार का जो चुनाव है वो अब बीजेपी के क्या कहें ऊपर के जो शीर्ष नेता जो है जी, वो अब गाइड कर रहे हैं बिल्कुल। और कहीं ना कहीं से उस गाइड के सहारे ही अब जेडीयू भी चलेगी जी, उसी गाइडेंस के सहारे। और जेडीयू के माथे पे भी शिकन है जी, कल आप ही ने न्यूज कवर किया था, जो जेडीयू के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो अचानक पहुंचे और 3 घंटे तक उन्होंने मीटिंग की जी, जेडीयू कार्यालय में वर्चुअल मीटिंग किया उन्होंने, वर्चुअल मीटिंग की जी। तो तीन घंटे तक मीटिंग करना चुनाव के बीच में, इसका मतलब आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी बिल्कुल। आपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया नहीं था जी, आपने अपने जो वर्कर है उसको ये नहीं समझाया था जो किस तरह से वोटरों को बूथ तक ले जाना है, मतलब जिस तरह से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए तो उस तरह से हुआ नहीं था। हाँ, अब वो चुनाव के बीच में जिसको कहते हैं वो कहावत है, भोज कल में कुम्हर रोपना, तो अब जब भोज चल रहा है तब तुम जा रहे हो बाजार से सब्जी खरीदने जी, तो अब तो उसका मतलब वही निकाला जाएगा। तो उस तरह से कहें तो, और कल और आज भी एक मीटिंग किए हैं नीतीश कुमार जी, आज तो पार्टी कार्यालय में नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आवास पे की है मीटिंग जी। मीटिंग उन्होंने की है बहुत कद्दावर नेता सबसे, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं जी। तो एक तरह से कहें जो बीजेपी जेडीयू को लेकर के चिंतित दिख रही है जी, जो कहीं जेडीयू का क्या परफॉर्मेंस रिजल्ट अगर उल्टा होता है जी, जैसा कि सोच रही बीजेपी उससे उल्टा होता है, वैसे एनडीए को उतना उससे फर्क नहीं पड़ेगा जी, लेकिन बीजेपी में
एक कहें जो बीजेपी फिर बिहार में बूस्टअप होगी और 2025 के लिए विशेष तैयार करेगी और जिसकी संभावना लगता है दिख रहा है, क्योंकि जेडीयू की उतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि जेडीयू ने लगभग अधिकतम जगहों पर वही चेहरे उतारे हैं, पुराने चेहरे जी, मतलब जो पहले थे उन्हीं को फिर से उतारे मैक्सिमम जगहों पर। तो वैसी स्थिति में लोगों की आंखें थक जाती हैं जी, एक ही चेहरा देखते देखते लोगों की आंखें थक जाती हैं जी, और वो लोगों की आंखें थक गई। बीजेपी ने तो कई जगह कैंडिडेट भी चेंज किया जी, बीजेपी ने शिवहर चेंज किया, बक्सर चेंज किया जी, वैसे बहुत जगह चेंज नहीं किया जी, तो वो आंखें थक जाती हैं। आंखें थकी हुई तो बीजेपी के कैंडिडेट से भी लोगों की है जी, लेकिन बीजेपी है जो वो देश को लेकर के उसका रहता है मुद्दा जी, यहाँ पे जेडीयू है क्षेत्रीय पार्टी है जी, ये देश के मुद्दा में उसके साथ टैग हो जाएंगे बीजेपी के साथ बिल्कुल। तो इसीलिए जेडीयू को, जेडीयू के बारे में जो फीडबैक लगता है जी, जो हम लोग संभावना बता रहे हैं जी, जो जिस तरह से अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का दौरा, मतलब अपने कैंडिडेट के क्षेत्र से ज़्यादा दौरा कर रहे हैं जेडीयू के कैंडिडेट वाले क्षेत्र में जी, ये दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं जेडीयू के बारे में बीजेपी के नेताओं को संकेत मिला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आखिरकार एलाइज है जी, और ये अच्छा भी नहीं लगेगा जो मान लीजिए जो 100% सीट जीत जाती है बीजेपी जी और जेडीयू आधे पे आके लटक जाती है, क्योंकि ऐसे भी एनडीए का तो नारा है ना कि अब की बार मतलब बिहार में 40 की 40 सीटों पे वो दावा कर रहे हैं, तो उनको तो सपोर्ट तो करना बनता ही है जेडीयू को, तो उसी के कारण बीजेपी अपना पूरा तन मन धन मेहनत से लगे हुए हैं। और बीजेपी के लोकल लेवल के जो नेता हैं जी, जो सम्राट चौधरी कह लें, विजय सिन्हा कह लें जी, या जो भी लोग कह लें, वो लगातार घूम रहे हैं जी, तो इसका मतलब ये साफ दिख रहा है क्या कहें उसको, नीतीश कुमार को लगता है मामला कहीं फंसता हुआ दिख रहा है। जेडीयू का मामला, नीतीश कुमार नहीं, जेडीयू का मामला, उसी मामले को, फंसे हुए मामले को निकालने के लिए बीजेपी के नेताओं का इस तरह का आगमन, धुआंधार अभियान चल रहा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा ने कितने अच्छे तरह से बताया कि इस बार जो लगातार बीजेपी के जो मतलब बड़े बड़े शीर्ष नेतागण हैं जो बिहार के ये दौरे पे आ रहे हैं, तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि जदयू कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी एनडीए की तरफ से होते हुए नजर आ रही थी, जिसको बूस्टअप करने के लिए बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार बिहार का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।